करंट दौड़ता है दिमाग में और सिर्फ दो ही ख्याल आते हैं जब हम नाच के बारे में सोचते हैं। एक तो नौटंकी वाला नाच और दूसरा बंदरिये वाला नाच। ये दोनों ही होते हैं बड़े एंटरटेनिंग, मगर ये जो एंटरटेनमेंट नाम की चिड़िया है ये तब फुर्र हो जाती है जब आप राम गोपाल वर्मा की फिल्म नाच के बारे में बात करते हैं। ना तो रामू एक मदारी है और ना ही इन्होंने कभी नौटंकी देखी होगी, तो आखिर ये सवाल तो बनता है ना कि आखिर रामू किस नाच की बात कर रहे थे जब इन्होंने ये फिल्म बनाई। लेकिन इसे देखने के बाद हमें ये यकीन जरूर हो गया है कि रामू किसी भी नौटंकी बात से कम नहीं है। अभिषेक तो शायद नाच के नाम पे एक धब्बा है और बाकी अंतरा माली को छोटे छोटे बहुत छोटे कपड़ों में दिखाने को रामू अगर नाच कहते हैं तो फिर इन्हें अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए, डॉक्टर हम भेज देते हैं। इस फिल्म का तो कोई माई बाप पहले से ही नहीं था। फिर रामू ने सोचा कि भाई दिवाली पे रिलीज कर देते हैं, फेस्टिवल के बहाने कोई ना कोई तो चला ही जाएगा फिल्म देखने। मगर क्या आपने कभी पंक्चर बस में लोगों को चढ़ते हुए देखा है? नहीं ना। तो रामू चले थे ऑडियंस को उल्लू बनाने और खुद ही बन गए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये उनके साथ अक्सर होता है। अभिषेक तो वैसे ही जीरो वाले ट्रैक पर है और साथ में थी अंतरा जो नेगेटिव वैल्यू ऐड करती आई है। अपनी हर फिल्म में सोचती है कि वो बॉलीवुड की दूसरी उर्मिला है। कुत्ता पाले लेकिन बाय गॉड कोई गलत फहमी ना पाले। फिर आई रितेश की बारी। इनके अकेले के बस की तो शायद शुरू से ही कुछ नहीं है। अगर हाँ टिकट खिड़की पर खड़े होके बेचते तो शायद फर्क पड़ जाता। एक आइडिया और था, वो इन्होंने यूज किया कि नहीं हमें नहीं पता। पापा को बोल दिया होता बेटा, थोड़ी बहुत टिकट तो उनके नाम के चलते हाथों हाथ बिक ही जाते। चलिए अगली बार ही सही, लेकिन हमारा ये आइडिया प्लीज यूज करिएगा, वी कैन गारंटी रिजल्ट्स। खैर कुल मिलाकर फूजली बॉम्ब की लिस्ट में एक और एडिशन किया नाचने। थैंक यू रामू, कीप डूइंग दिस, इट मेक्स अ गुड फूजली स्टोरी फॉर अस। यू सी नाच है जबरदस्त पे नंबर 10।